केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण के संबंध में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जाट समाज को नई सिरे से संवैधानिक लड़ाई लड़ने की सलाह दी। शनिवार को रोहतक में उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण को संवैधानिक दर्जा मिलने से जाट आरक्षण के लिए नई राह खुली है। जब जाट आरक्षण के लिए नई सिरे से आवेदन करना चाहिए, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कानूनी अड़चने आने की संभावना नहीं है। डेढ़ महीने के लिए और एक आपसे भी वो बीच में मुलाकात की बात उस मुद्दे पर ये मुद्दा तो देखो मैं पहले बोल चुका हूँ इसके बारे में, और साफ बात यह है कि जो अब संविधान में संशोधन हुआ है और उस संशोधन के तहत जो पिछड़ी जातियों को जो उनका कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा मिला है, तो उसके बाद मैं ये बात कही है कि जाट आरक्षण मांग रही जो संस्थाएं हैं उनको नए सिरे से अपना केस तैयार करके उस कमीशन को प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा ख्याल अभी तक कमीशन का गठन नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। बार बार जैसे यशपाल मलिक कहते हैं कि कुछ जो डिमांड है उनकी प्रदेश सरकार वो पूरी नहीं कर रही, वो अलग चीज़ें हैं, वो उससे आप आरक्षण को मत जोड़िए, वो उनकी अपनी बात है। आरक्षण को मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि हरियाणा में तो 4-5 जो जातियाँ हैं, 6 हैं, उनके लिए जो पहले जो एक्ट बना था उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसके कारण हाई कोर्ट में नहीं चल सके, स्ट्राइक डाउन हो गया, स्टे हो गया। अब मौका है कि नए संवैधानिक संशोधन के बाद हरियाणा सरकार को भी नए सिरे से ये एक्ट पास करना चाहिए ताकि जुडिशियल स्क्रूटनी में वो टिक सके। तो कल डिस्ट्रिक्ट से फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री